अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के ईवीएस का चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों, आप जानते हो कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जानदार होते हैं, नॉन लिविंग हम कहते हैं बेजान चीज़ों को। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, खुद ही एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बेजान होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते, है ना। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये खाना भी खाते हैं, ये पानी भी पीते हैं, ये ग्रो भी करते हैं, टाइम के साथ साथ बड़े हो जाते हैं ये, है ना। जबकि हम नॉन लिविंग थिंग्स की तरह देखेंगे तो वो ना ग्रो करते हैं, ना वो चल पाते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स जैसे मैन है, काउ है, गोट है, क्रो है, ये सारे लिविंग थिंग्स हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स में हम स्टून, बैग, पेंसिल, चेयर, टेबल वगैरह, ठीक है। तो अब आप अपनी बुक्स खोलिए और हम पढ़ेंगे, आप भी बुक्स खोल के देखिए। लेट्स लुक केयरफुली एट द पिक्चर अबव। यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पहले यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें एक बच्चा है और इसके सामने टेबल रखा गया है, और जो टेबल है इसके ऊपर गमला है ना, जिसमें छोटा सा प्लांट है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? There is a table, there is a pot with a plant on the table, a child is standing near the table. तो इस पिक्चर में क्या है, एक बच्चा है, इसके सामने टेबल है, टेबल पर एक पॉट है जिसमें छोटा सा प्लांट है। Let's now keep a pot with a plant on the table as shown in the picture. ऐसे ही हमें भी रखना है टेबल पर एक पॉट, जैसे यहाँ पिक्चर पर रखा गया है। Teacher calls John. John come and stand near the table. Teacher ने एक बच्चे को क्लास में उठाया और बोला, बेटा आप इस टेबल के पास खड़े हो जाओ, और इस बच्चे का नाम John था। Now walk three steps ahead, says the teacher. John walks on his own. तो अब इस बच्चे को टीचर ने बोला कि आप जो ये, चूँकि ये बच्चा टेबल के पास खड़ा हुआ था, तो इसने इस बच्चे को बोला कि आप कुछ स्टेप्स आगे चलो, दो तीन कदम आप आगे चलो। तो यहाँ जो है वो कुछ स्टेप्स आगे चला। कैन द टेबल वॉक ऑन इट सून? क्या टेबल भी अपने आप ही खुद चल पाएगा? अगर हम टेबल को बोलेंगे टेबल आप चलो, क्या ये चल पाएगा? कैन द प्लांट वॉक ऑन इट सून? या जो इसके ऊपर हमने प्लांट रखा है, अगर हम इस प्लांट को बोलेंगे आप चलो, क्या ये चलेगा? नो दे कांट, नहीं ये नहीं चल सकते, ना ही टेबल चलेगा, ना ही प्लांट अपने आप वॉक कर सकता है। वी हैव सीन दैट ओनली यूहान कैन वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इट्स ओन, सेज द टीचर। अब टीचर इन्हें बोलता है कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिर्फ यूहान जो ये बच्चा है यही एक जगह से दूसरी जगह खुद चल पाया, जबकि टेबल और जो हमने इसके ऊपर गमला रखा वो खुद नहीं चल पाए। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, राइट द नेम ऑफ एनी फोर थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फोर थिंग्स दैट कांट। तो हमें अब देखना है अपने इर्द गिर्द कि ऐसे कौन सी चार चीज़ें हम देख पाएंगे जो खुद ही चलेंगे, और वो चार चीज़ें जो खुद ना चल सके। तो चार चीज़ें हम लिखेंगे, थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन, जो खुद चल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मैन है, काउ है, गोट है, क्रो है ना। मैन खुद चलता है, काउ खुद चलती है, गोट भी खुद चलती है, क्रो है ना, ये सब खुद चलते हैं। एंड फिर हमें लिखना है थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो चीज़ें जो खुद नहीं चल पाई। जो हम देखेंगे अपने इर्द गिर्द, तो यहाँ पे हमें स्टोन दिखाई देगी, पत्थर। यहाँ आपका बैग है बच्चों, बैग आपका खुद नहीं चल पाएगा। यहाँ पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, ये खुद नहीं चल पाते, ठीक है। वट वी हैव लर्नड, तो इन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा कि ये चीज़ें जो हमने पढ़ी, जो खुद एक ही जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं,
तो दूसरी तरफ से हमने वो चीज़ें भी देखी जो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों से हमें क्या सबक मिला, हमने क्या सीखा? ह्यूमन बीग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देमसेल्व्स। तो ह्यूमन बीग्स जो होते हैं, इंसान या एनिमल्स, हैवान या बर्ड्स जो होते हैं, परिंदे या फिश होती है, या इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह खुद चलते हैं, है ना? सम अदर थिंग्स लाइक अ रोप, अ कार, अ स्टोन, अ पेंसिल, अ शू एट्सेट्रा कॉन्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर ओन। तो जो ये स्टोन है, या यहाँ पे पेंसिल है, या रोप है, रस्सी है, या बैग है, टेबल है, चेयर है, शू है, तो बच्चों ये एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं चल पाते, ठीक है? तो बच्चों जो एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं खुद ही, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ये लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना? कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स के पास और कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग नहीं है, वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।